हेलो दोस्तों, बैक टू बैक मैं चैनल स्वागत करती हूँ आपका फैमिली ब्लॉग में। हमारे चैनल बनाया तो छोटी सी क्लिप सुबह बना कर डाले थे, आज भी क्योंकि दो तीन दिन से बन के डर नहीं रहा था छोटी सी डाले, तो ये भी आज का ही ब्लॉग मतलब अत्री का पहला दिन है, तो इसमें उबाल रही हूँ मैं आलू। तो कुकर को पकड़ के बैठी है, सीटी मार रहा है इसलिए। ये देखो आवाज में मतलब बात करेंगे तो आवाज आएगी ना इसलिए। तो देखिए मैं तैयारी करके रख ली हूँ, इसमें आलू रखी हूँ, तो टमाटर और मिर्ची, आलू थे नहीं अभी लेके आए जब रखी हूँ बनने के लिए। और मैंने आपको सुबह की बताया था, मैंने सुबह की क्लिप में बताया भी था कि नीतू मतलब एप्पल वगैरह वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, मतलब कम खाती हैं, और इधर देखो व्रत रही हैं, फिर भी आज कपड़े इतने सारे धो के डाल दिए इन्होंने, धोखा डाल दिए थे मतलब काम नाम किए थे, जब पूजा वूजा किए तो हमको दो ढाई से ऊपर हो गया था, तो पर पोछा लगा रही तो मेरे पेट में अच्छी पेट दर्द हो रहा पता है, बैठा ही है अभी इतने तेज चक्कर आ रहे हैं, भूख के मारे हालत हो रही है खराब इनकी, तो अपने लिए क्या कर रहे हो? आलू वाले देखिए मैं बनाने लग रही हूँ, आलू उबल चुके थे तो उसके बाद मैं कढ़ाई रख दी हूँ, और हालत तो नहीं हो रही है अभी भी, सही नहीं लग रहा, हिम्मत नहीं होती व्रत रखने की, काम इतना सारा है इसकी वजह से, और एक ये बाबू मुझे परेशान करता रहता है, देखिए कभी ये पकड़ा है कभी केवल पकड़ा है, देखिए मैं वो प्लग निकाल दी मशीन का तो वो पकड़ के बैठ गया, तो आधा दिमाग मेरा ये खा लेता है, और देखिए मैं मतलब उसमें मट्ठा रखा था, मैं दही रखी थी सुबह जमाई थी, तो उसकी मैं मट्ठा बना दी हूँ मिक्सी में चला के, क्यों रही थी चलाती तो ज़्यादा टाइम लग जाता, और इसे मिक्सी से हाथ धोई दो मिनट में हो गई है, देखिए कितने अच्छे से मतलब हो गया, मतलब छाछ बन गई उसकी, और इधर कढ़ाई रख गई थी मैं गर्म करने के लिए पहले ही, तब गई थी क्योंकि थोड़ी भारी कढ़ाई है, इसको तो कम यूज करती हूँ मैं, वो हल्की वाली उस सेकेंडों में गर्म हो जाती है उससे ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैंने ये साफ़ सुथरी सी है, तो मतलब व्रत का खाना है तो इसमें ही बना लेती हूँ, तो पहले से ही रख गई थी मैं गर्म करने के लिए, तो वो मट्ठा फिर बना के लाई थी मैं, उसमें गर्म हो गई थी कढ़ाई, तेल डाल गई थी, तो देखिए फिर मैं उसमें हरी मिर्च तेल गर्म हो गया तो हरी मिर्ची डाल के और टमाटर डाल के मतलब अच्छे से पका दी हूँ, और उसके बाद ये व्रत वाला नमक है तो नमक डाल दी हूँ, और इधर आलू उबल चुके हैं तो उनको भी निकाल लेती हूँ, इधर वाली गैस ना थोड़ी कम नहीं होती है जैसे करनी हो तो मैं उस दर वाली पर रख दी हूँ, वो वाली जितनी कम करो ना उतनी कम हो जाती है, और ये वाली नहीं होती तो उस वाली इसलिए मैं उस वाली पर रख दी हूँ, और आलू एकदम गर्म गर्म है तो पानी डाल ली हूँ वैसे मैं, फिर भी ठंडे नहीं हुए थे, धुआं दे रहे हैं, और एकदम फंसकने वाले आलू थे और तो उसी में खिल गए थे उसमें ही मतलब कुकर में, तो एक आध जो रह गया था उसमें चक्कू मार दी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा, और मसाला भी देखिए रेडी हो गया है तो उसमें डाल देती हूँ, मतलब टमाटर डाल के फ्राई करूँ तो मतलब खप जाते वैसे अच्छे नहीं लगते, सूखे सूखे से रहते हैं, तो इसलिए टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डाल के थोड़े अच्छे लग रहे थे, वैसे नहीं वैसे कभी कभी डाल देती हूँ मैं कभी नहीं डालती, पर मैंने बोला थोड़ा वैसे मसाले दे जैसे हो जाएंगे तो डाल दी, तो वो भी फ्राई हो चुके हैं, मतलब पसाने दे तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है उनको, चिपक जाती है अगर ज़्यादा फ्राई करो तो, और देखिए मैं कर देती हूँ, खीरा भी लेके तो खीरा भी काट दिए काट दिए, और देखिए मैं ले ली हूँ और खीरा भी ले ली और छाछ, अब जा रही हूँ मैं खाने, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बोर्ड उस दिन ख़राब हो गया था ना तो बोर्ड लेके आए घुमाने वाला, इसमें रस्सी अंदर चली जाती है ना, हाँ नया बोर्ड है मशीन के लिए, मशीन नहीं चल पा रही थी इसीलिए लेके आए, तो ये सही है उसकी जो डोरी होती है अंदर चली जाती है जितनी जरूरत हो निकालो, काफ़ी डोरी निकलती है इसमें है ना, बहुत है इसमें 6 मीटर से भी ज़्यादा है, अभी मैं निकाल रही थी वो निकलती जा रही थी निकलती जा रही थी, बड़ी बड़ी है और व्रत की वजह से
खाना पूरी खराब हो रही है। देखिए कैसा मुँह हो गया, अब हिम्मत नहीं होती रखने की व्रत। और खा लिए अभी दो, मतलब आलू और मट्ठा खा लिए। और देखिए बताऊँ तो सारे धो कर रख दी मैं। देखिए ये रखा कटोरा, इसमें सही जा है मतलब जामन, दही बहुत दूध जमाना है, दूध निकाल दें फ्रिज में से, उसकी भी मलाई भी निकलेगी। दो मैं पकड़ूँ मलाई से हाँ। बाबू दो तीन दिन से पूछ रहा है मामा मलाई किससे बोलते हैं, दूध में जो निकलती है उसे मलाई बोलते हैं, फिर उससे घी निकलता है। देखिए निकाल रहे हैं मलाई, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे तो ये चला रहे हैं। और एक पहली सर्दियों वाली देखिए निकाल ली, कुछ सर्दी भी लगने लगी क्या फैली है, गर्मियों में गर्म नहीं है, गर्म है लेकिन इनको महसूस नहीं होती गर्मी। तो देखिए बाबू कहाँ पे चढ़ गया, क्या कर रहा है, कहाँ पे चढ़ जाता है, इसको बस यही काम रहते हैं। और चलिए खाइए पिए खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय माता दी।